वन्दे गुरुपदोद्वन्दं nita nanda वन्दे Sri nanda nanda श्रीचैतन्यप्रभुं वन्देनितानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्देराधिका dayam गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाचाकूश कृपा सिंधु पतितान पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक लंग पंगु लिरी यम वंदे परमाधव

সদানুক্ত গুভক্তি ভক্তি প্রমোদর ধৈর্য সদা পিভবগ্নমিষ্টদুহম তেথস্পিব শরণ্যামাতলভাদ্িপুত বন্দে মহাপুষতে চর यदपल्लवनखचंदमणी छटाया विस्फुजीत कि गपवधु स्वदर्शी पूर्ण नागर स सागर सारूर्ति काम करोषि श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदत गाधर शिव सदी गौरभक्तंद শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিতনন্দ শ্রীদ্দ্বৈতগদাধর শিবা সদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে अजानुलम्बितभुजौ कनुकाः बधातु सङ्कीर्तनैकवितरु कमलायताक्षु विशाम्बरोधिजवरु युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणा भुतारु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरिनमामि गङ्गे तवपादपङ्कजं सुरासुरैर्बन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि sinitam भावानुरूपेण सदा गङ्गातरङ्गरमणीयजठा कलापं गौरी निरन्तरविभूषी नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरान् सिपुरपति गीसुष्वदने लक्ष्मीजस्वी ज्यास्ते हृदय संबी महम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कीर्तन तो गान नर्तन तो कला पथोजनी भ्राजिता शद्भक्ता बलिहंस चक्रमधुपो सेनी विहारास्पद कर्णानंदीकलध निर्बहु मे जिव्हा मरू प्रांगणे श्रीचैतन्य लीला सुधा सधुनी কৃষ্ণত কীর্তন গান নর্তন কলা পথো জীভ্রজি বলি হংস চক্র মধুপো সেহা কণানন্দীকল ধনিহতো মে জিহ্বা মরুপ্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য দায় নিধেত লীলা সুনি গৌরী গোষ্ঠীপতি श्री भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जगत गुरु जी ने बताए परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन ये हमारा गौरिय मठ का स्लोगन है मठ का अल्टीमेट गोल यही है गौरी गौरी गोष्ठीपति गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को ठाकुर पहुपा जगत गुरु जी ने बताएं परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन हमारा गौड़ी मठ का एकमात्र मकसद है एकमात्र तो टारगेट है एकमात्र तो स्लोगन है श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्य रासस्थली सेवा संगन में जो संकीर्तन जग्याग्नि का प्रज्वलन किए थे ये संकीर्तन युग्याग्निक को हमारा गौड़ी डिबोटी गौड़ियों भक्त सब ये संकीर्तन युगों को हर भगत संकीर्तन युगों को कायम रखे हर वक्त बुझने ना दे संकीर्तन युगों को बुझने नहीं देना अगर संकीर्तन युगों बुझ अगर संकीर्तन योग बुझ जाए तो तमाम दुनिया का लपड़ा शीडू हो जाएगा एक दूसरे से कंपटीशन, एक दूसरे से लड़ाई प्रतियोगिता हिंसा चारों ओर फैलेगा हरिभजन तो दूर की बात है कैसे हो सकता इस स्थिति में महापुरुष लोगों का जो जो महापुरुष लोग हैं परमंश ये लोगों का अंदर में इतना एक क्षमता है दे आर लाइक ए बाइंडिंग फोर्स शायद सुने होंगे बाइंडिंग फोर्स एक मिसाल दे दे जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया लेकिन ये रास का सेंटर पॉइंट है राधा रानी नॉट सेंटर पॉइंट नॉट ओनली सेंटर पॉइंट बट ऑल्सो सी वॉज द बाइंडिंग फोर्स राधा रानी नहीं है तो चूर चूर हो जाएगा क्यों उठाया बात को आजकल का जो सिचुएशन अवस्था है इसको साबित करने के लिए केशव गुस्से महाराज बामन गुस्से महाराज ये सब महापुरुष माधव गुस्से महाराज ये सब रहते ये सब रहते समय ये सब महापुरुष ज़्यादा कुछ उठपटांग होना संभव नहीं है लेकिन जब ये बाइंडिंग फोर्स नहीं है तब तो बिखर जाएगा ओर, सो अपना अपना मनमानी चलना शुरू कर देगा सब अपना अपना मनमानी कोई मानेगा नहीं किसी को ये कलिकाल है कलिकाल है ये कोई किसी को मानने वाला नहीं है अब ज्यादातर ऐसा भी सुना जाता है कभी कभी तो ऐसा भी बोलता है कई कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं सो कॉल्ड इवोटिस दे आर स्पीकिंग दिस वे महाराज आजकल के जमाने में कोई साधु फाधु नहीं है कोई साधु कहाँ है साधु तो नहीं है किसका अनुगत करे तो गुरुवर्ग कह रहे ठीक है आपने आपने मान लिया योर ओन पिविलेज दैट इज योर ओन पिविलेज आपने मान लिया तैयार कर लिया कोई साधु नहीं है मतलब साधु नहीं है तो अनुगत्व का कोई बात नहीं है साधु नहीं है मतलब आपने ऐलान कर दिया साधु नहीं है तो मतलब अनुगत्व का कोई दरकारी नहीं है पोपाद जी ने बताए एक अनुगत्वहीन एक अनुगत एक अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु का बराबर है पशु से भी गिरा हुआ है जी ने बताया जिन्होंने मान लिया कि जगत में साधु नहीं है किसके हरिकथा सुने क्या करे तो ठीक है इनके लिए क्या है अच्छा है ये इनके लिए अच्छा है क्यों ये तो अनुगत तो नहीं चाहता तो दुनिया में साधु नहीं है मतलब हमको अनुगत्य करने का दरकार नहीं दुनिया में साधु नहीं है मतलब अनुगत्य करने का दरकार नहीं।, नहीं है मतलब तो मैं पशु बन जाऊं पापा जी ने बताया अनुगत्यहीन व्यक्ति पशु सदृश पशु से भी घिरा हुआ है इसका साथ साथ इसका साथ साथ ये मायावादी इसका साथ साथ ये तो मायावादी है जिन्होंने बोला कोई साधु गुरु नहीं है जगत में ये तो मायावादी है इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का क्या मतलब है बताओ ये कोई साधु नहीं है मतलब भगवान जगन्नाथ यूजलेस भगवान जगन्नाथ यूजलेस कोई हाथ पैर नहीं है निकम्मा है तो भगवान जगन्नाथ का इतना भी क्षम क्षमता क्षमता नहीं है कि एक साधु को जगत में रखे क्या कहना चाहते हो क्या कहना चाहते हो आप लोग इसका माने तो यही हुआ ना जगत में कोई साधु नहीं है जगन्नाथ को जगन्नाथ का क्षमता नहीं है कि एक साधु को जगत में रखे कि दुनिया को राह दिखाने के लिए यही तो बोल रहे हैं ना और क्या बोल रहे हो क्या माने बैठता है इसका ऐसा है पोपा जी ने बताया पोपा जी ने बताया ये जो संकीर्तन योग्य योग्य अग्नि प्रज्वलित किए हैं श्रीमन महाप्रभु जी ने शिवा संगन में ये जो संकीर्तन अग्नि का जो धुनी है इसको जला के रखना इसको बुझने नहीं देना और पोपा जी ने आइडेंटिफाई किया जो सब संत महात्मा है हमारा गौड़ मठ का बड़े बड़े संत महात्मा जो अपना जीवन जिंदगी को ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में ये संकीर्तन यज्ञाग्नि में निछावर करने के लिए तैयार बैठा है दे आर एक्चुअली गौरियमठ डिबोटी ये लोग गौरियमठ का सदस्य है जो बैठा हुआ है तैयार तैयार बैठा हुआ है संकीर्तन योग्याग्नि में अपना जीवन जिंदगी को निछावर करने आहुति देने के लिए बैठा हुआ है ये लोग गौरिया मटका है बाकी गोरिया मटका नहीं है बाकी कोई गोरिया मटका नहीं है ये सब गौरिया मटका है नहीं ये सब लफड़ाबाजी जो चल रहा है ये लोग गोरिया मठ देखा ही नहीं गोरिया मठ का अंदर में घुसने का तो दूर की बात है गोरिया मठ का अंदर में घुसने का तो दूर की बात है ये लोग गोरिया मठ दिखा ही नहीं ये लोग का दिखा हुआ नहीं ये लोग का दिखा हुआ ही नहीं किसी सदगुरु से दिखा हुआ ही नहीं नाटक हुआ किसी नाटक में ड्रामा हुआ कुछ नहीं हुआ नहीं तो ऐसा स्थिति नहीं पैदा होते जो भी है पोपा जी ने दिखाया हम गौरी डिवोटी का विशेष करके, विशेष करके सारस्त गौरियो भक्तो समाज का एक एक भक्तों एक एक व्यक्ति एक एक साधु अपना जीवन जिंदगी को श्री चैतन्य महाप्रभु का जलाया हुआ संकीर्तन योग्याग्नि योग्याग्नि में अपना जीवन जिंदगी आहुति देने के लिए तैयार बैठा है बात कहते हैं मठ का अंदर में कोई कपट व्यक्ति रह नहीं सकता पहले महाराज बहुत लोग हैं नहीं वो मठ का नहीं है मठ का नहीं है वो मठ का अंदर में कोई कपट व्यक्ति का रहना बहुत मुश्किल है खटिया खड़ा हो जाएगा अगर जोर जबरस्ती कोई कपट व्यक्ति मठ का संकीर्तन प्रांगण में मठ का जो संकीर्तन भवन अविद्य हरण नट्ट मंदिर अबिद्य हरण मंदिर गौरिया मठ का जो संकीर्तन चलते हैं नाट मंदिर में यहाँ जो हर हर वक़्त ये जो संकीर्तन चल रहा है एक कपट व्यक्ति अगर छुपे रहे दो चार दिन के लिए इसका बाद थोड़ी दिन में आ, आ, इसके बाद थोड़ी दिन में अगर ऐसा संकीर्तन जो कि सुनते रहे इसका पोल पोटी खुल जाएगा इसका पोल पोटी खुल जाएगा भागने के लिए तैयार हो जाएगा पैसा पैसा लेके लड़की लेके, के प्रतिष्ठा लेके ऐसा भागने के लिए तैयार हो जाएगा और रहेगा नहीं जो भी है अभी ये संकीर्तन जो ग्याग्नि में आम आदमी जो गृहस्थी आदमी हैं इन लोगों का योगदान नहीं है ज़्यादातर जो गृहस्थी भक्त हैं वास्तविक वो गृह थाको बोने थाको सौदाहोरी बोले डाको इन लोगों के लिए कोई हर्जा नहीं जो लोग गृहस्थी पक्का गृहस्थी पक्का गृहस्थी मतलब इन लोगों का अनुभव है हमारा दो दिन का संसार इसमें रहना नहीं है जिन्होंने घर में रहते हुए हर वगत चैतन्य महापू का दिखाया हुआ संकीर्तन यज्ञ में हर वगत अपने को नियोजित रखते हैं जिसका गृह मेधा नहीं है घर में रहते हुए भी घर में रहते हुए भी घर में रहते हुए भी जिसका संकीर्तन मेधा विकसित हुआ है घर में रहते हुए भी जिसका संकीर्तन मेधा विकसित हुआ है घर में रहते हुए जिसका गृह मेधा बिल्कुल विकसित नहीं हुआ वो तो हमारा दंडवत का योग्य है चाहे घर में रहे कहाँ भी रहे उसका तो आरती उतारना चाहिए जो भी है अब आम आदमी भगवान का संकीर्तन योग्याग्नि में कुछ ज़्यादा योगदान उसका नहीं है कभी एक आध इनमें से एक आध अगर संत महात्मा का साथ जोड़ लिया नाता जोड़ लिया संकीर्तन करते रहते बाकी तो नहीं करते बाकी नहीं करते जब शरदिंदु राय ने बताया पोपात विद इन दिस शॉर्ट पीरियड यू आर गोइंग टू एस्टाब्लिश एटलीस्ट फिफ्टी गौड़ी मट हेयर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल्सो इन आउटसाइड पोपाधिन हंसा है जब शरदिंदु राय जी ने बताया आपने तो कामयाबी हासिल की इतने थोड़ी सी समय में पचास गोरियमठ स्थापन कर दी पचास गोरियम स्थापन कर दी और पोपा जी ने बोले पोपा जी ने बताए अरे क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो आप पचास मठ बना दिया अरे पचास मठ नहीं है आई वॉन्टेड टू इंस्टॉल गोरियामठ इन ईच एंड एवरी heart हर व्यक्ति का हृदय में मैं मठ स्थापना करना चाह आप क्या कहते हो पचास मठ बना दिया पचास तो क्या होता है देखो दुनिया का हालत है ये मठ मंदिर है पैसा का पैसा का ताकत से मठ मंदिर बनाया जाए क्या यही शिक्षा लिया आपने किसका हरिकथा सुना आज तक पैसा का बल से मठ स्थापन होता है क्या वो बात कहते हैं पचास मठ का बदले में वो बात कहते थे पचास मठ का, का बदले में अगर पचास भक्तों मिल जाता जो अपना जिंदगी को महाप्रभु का संकीर्तन जोग में देने के लिए तैयार बैठा है जैसे हमारा देश का जैसे हमारा देश का फ्रीडम फाइटर स्वाधीनता संग्रामी वो तैयार बैठे हैं देश माता के लिए अपना जिंदगी देने के लिए क्या हिम्मत है किसी को हिम्मत है किसी को आओ देखे दिखाओ जो आपका अनुगत्य है आप हरिकथा सुन रहे हो दिखाओ, प्रमाण करो बातें नहीं चलेगा बयानबाजी बहुत आदमी कर सकता है लेकिन काम में कुछ कर नहीं सकता आदमी एक स्वाधीनता संगमी जो किसी चीज़ कर सकता वो भी आपका लिए संभव नहीं है दैट यू कैन नॉट डू ये भी संभव नहीं वो तो मेटेरियल है स्वाधीन संगमी तो क्या है वो स्पिरिचुअल है क्या और हमने दीक्षा लेने के समय में वादा किया था क्या वादा किया था दिखा लेने के समय क्या क्या बात है लिखा हुआ चैतन्य में क्या लिखा हुआ है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण समर्पण शे काले कृष्ण तारे करे आत्मसम कहाँ है ये सब ये सब जो है किताब में बंदी रहेगा ये सब जो फिलॉसॉफी है ये किताब खोल के देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली यू नॉट फाइंड इन अप्लाइड फॉर्म तो किताब में बंदी रहेगा कभी दरकार हो तो खोल के प्रवचन देने के लिए मुखस्त कर लेंगे क्या हर जाए कौन देखने आ रहा है हु कैन डिटेक्ट माई पोजिशन ये जो पचास गौड़िया मठ के बदले में अगर पचास भक्तों मिल जाता तो बात कहते मैं बड़ा खुशी होता क्योंकि एक महान गुरु वैष्णव जो अपना जिंदगी को दे दिया भगवत सेवा में संकीर्तन में जिसका चारों ओर से विरोधी खड़ा हुआ है मारने के लिए वो तो निर्भय होके निर्दय होगी कर रहा है ये तो निर्भय होके कर रहा है इसका कोई चिंता नहीं जो होगा होगा लेकिन आप लोगों का क्या, क्या फर्ज है वाट इज योर ड्यूटी एज ए डिबोटी ये बताओ पापा जी ने बताए पोपा जी ने बताए ये जो हमारा गौरी मठ का एक एक महान वैष्णव है दे आर ऑल मोबाइल गौरी मठ ये लोग मोबाइल मठ है जहाँ चले जाते गौरी मठ प्रकटित हो जाता है जहाँ प्रकटित हो जहाँ जाते हमारा एक महान गुरु वैष्णव बिंद हमारा मठ का जहाँ पदार्थे हैं गौरी मठ प्रकटित हो जाते है। जैसे माधवबंदपुरी बात के बारे में बताएं जहाँ माधविंदपुरी पाद है वहीं वृंदावन है जहाँ हमारा पोपाद है वही वृंदावन है जहाँ में ठाकुर वही वृंदावन है वृंदावन कहाँ जाओगे जो भी है अभी ये संकीर्तन जोग्याग्नि में तमाम दुनिया को संकीर्तन जोग्याग्नि में तमाम दुनिया को सुविधा देने के लिए आओ आओ अब तो आएगा नहीं अब तो आ, बुलाने से आएगा नहीं तो क्या किया जाए पोपा जी ने भक्ति विनोद ठाकुर का आदेश का अनुसार क्या की परिक्रमा का व्यवस्था की परिक्रमा का व्यवस्था की रहने रहन सहन का व्यवस्था खान पीन का व्यवस्था सभी कर दी बदीब से आए गांव गांव से शहर शहर से आके ये आगे संकीर्तन करने के लिए थोड़ा मजबूर हो गया क्योंकि वो तो परिक्रमा में आए परिक्रमा में आए तो वहाँ परिक्रमा में संकीर्तन चल रहा है हर वक्त दर्शन चल रहा है धाम का दर्शन चल रहा है इधर उधर तो संत महात्मा लोगों का मुखार बिंदु से ये हरिकथा सुनते सुनते मजगूल हो गए पागल कितना सारे बौद्ध जीवों का कितना सारे बौद्ध जीवों का इस परिक्रमा के द्वारा मंगल हो गया बल्लाजी महाराज धाम का रूप में प्रकट भये और तमाम दुनिया को ये अपना एक एक सुविधा देने के लिए बल्लाजी महाराज धाम का रूप में प्रकट भये और गुरु जी रूप में गुरु का रूप में धाम का परिक्रमा का भी व्यवस्था की कहो क्या बात है कहो क्या बात है आह अब काल चर्चा करते करते हम अंतरदीप सिमंतदीप इतवादि सब परिक्रमा का विषय चर्चा किया इतने में हमारा नंदन जो भवन का बात तो पहले ही गुरु जी का मठ तो इधर है उधर से नंदन फिर सब सारे हम थोड़ा बहुत चर्चा किया इसका बाद नोदी पार करके गोद्रुम में जाना है कुंजों का बारे में मैंने बताया शानंद सुखाज आनंद सुखा कुंज का बारे में बताया जो वृंदावन में ये राधा कुंड का तट में ललिता सखी का कुंज है ये ललिता सुखी का जो कुंज है ये ललिता सुखु का ललिता सुखी का कुंज का नाम है शानंद सुखदा कुंज अब ये ललिता सुखी का कुंज इधर है दिखाया भक्ति में ठाकुर ने बताए ये गुद्रम द्वीप जो है ये गांव है हमारा इस आजू बाजू नंद ग्राम है एक बात मैं बताना चाहूं नहीं बताने से दोष लगेगा वो क्या है वो ये है नित्यानंद प्रभु का समय में परिक्रमा का विशेष था जहाँ से परिक्रमा उठाया जहाँ से परिक्रमा उठाया ये परिक्रमा उठा के चलते रहो चलते रहो चलते रहो और तमाम परिक्रमा खत्म करके भी वापस वापसी आओ ये नित्यानंद प्रभु का समय में ये नियम है सिर्फ नित्यानंद प्रभु के समय में नहीं है सिर्फ हमारा नित्यानंद प्रभु का समय नित्यानंद प्रभु ने जीव गोसाई पाद जी को परिक्रमा करवाया ये नियम था हमारा गौरांग महाप्रभु का सेवक जो है ईशान ठाकुर इन्होंने भी शिवास पंडित नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आजाद जो तीनों का ऐसा ही परिक्रमा का व्यवस्था किया तब की जमाने में रहने रहन सहन का व्यवस्था पानी का व्यवस्था हुआ करता था अब तो ऐसा हालत हो गया क्या करें यहाँ तक कि पोहपात का समय में भी मैं निकाल के दिखा दूँ आपको मैं आपको निकाल के दिखा दूँ ये जो सज्जन तो सुनिया आदि सब में लिखा हुआ है एक दफे परिक्रमा उठाए तो परिक्रमा चलते रहेगा मंदिर में वापस नहीं आएगा अगर मंदिर में वापस आ गया तो ये परिक्रमा का बदले में दर्शन हो जाएगा हाँ परिक्रमा तो हो ही रहा थोड़ा बहुत क्योंकि गुरु गुरु वर्गों ने अप्रूव किया तो मेरा कहने का कुछ नहीं है गुरु वर्ग ने अनुमोदन किया दे आर ऑल ऑल इन्होंने अनुमोदन किया तो कहने का नहीं हमारा परम माधव गोस्वी महाराज हैं भक्ति भवनपुरी गोसिमें वो लोग जो वृंदावन परिक्रमा करते थे वो भी जो मैं कैसा हूँ कहता हूँ ऐसे परिक्रमा उठाए मठ से सारे भक्तों लोग परिक्रमा करते करते धीरे धीरे भूतेश्वर से प्रार्थना की भूतेश्वर उधर से मधुबन मधुबन से तालबन तालबन से आगे चल के कु ऐसे चलते रहे रुकने का कोई बात नहीं अब ये गोरधाम में ऐसा हालत हो गया चारों ओर बस्ती हो गया रहने का व्यवस्था नहीं पानी का और शौचालय का व्यवस्था उतना नहीं कहाँ रुके इसीलिए वापस आना पड़ता है एक्चुअली परिक्रमा उठाए इसीलिए देखो मैं जो परिक्रमा का वर्णन कर रहा हूँ इट इज़ अनयूजल परिक्रमा उठाने चाहिए नितम वो कर रहे हैं ऐसा दर्शन करके करते करते जगन्नाथ मंदिर का शिमुलिया सिमंत तो द्वीप अर्थात है न ये जो आपका जो श्रवर्णाख्या भक्ति का स्थान ये सब चर्चा करते करते धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर दर्शन करे और खोला बचा सीध और आदि मैंने जो कुछ भी बताया इसका बाद लिखा हुआ है ये मैं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लिखा हुआ है जे नित्यानंद प्रभु जी जीव गोसाई बात को लेके नदी को पार करके गोद्रु में चला गया वो लिखा हुआ है सुवर्ण बिहार गया सुवर्ण में सुवर्ण बिहार जाके उधर का दर्शन मैं आऊँ इसका दर्शन के बारे में हम चर्चा करें जरूर करेंगे आज थोड़ा बहुत ज़्यादा समय भी लगे नहीं तो मेरा अपराध लग जाएगा ना मेरे को करना पड़ेगा तो आगे सुवर्ण विहार का दर्शन करके फिर उधर से निशिंगपल्ली को जाए पंचानंद तोला होके देवपल्ली को दर्शन करके फिर ये आपका ये जो वाराणसी है वाराणसी क्षेत्र दर्शन करके आगे चले उच्चो हाट आदि कुरुक्षेत्र आदि दर्शन करके आगे चले कि समुद्रगढ़ का वो सब तो अब हो गया क्या अभी हमारा मंदिर में वापसी आने का व्यवस्था हो गया परिक्रमा मतलब को करते चलो परिक्रमा करते चलो परिक्रमा करके पूरा कंप्लीट करके वापस लौटो अब गुरुवर्गो अनुमोदन किया तो इसमें मेरा बाप का भी हिम्मत नहीं कुछ कहे गुरुवर्गो अनुमोद ठीक है अब चलो और ये गुरुवर्ग भी वृंदावन में जब परिक्रमा करते हैं तो पूरा परिक्रमा करके फिर वापसी आते हैं ये गुरुवर्ग का ही सिद्धांत है मेरा कोई अपना नहीं है जो भी है आपको बताया कैसे गोद्रुम कानम में शुरवी कुंज में नाम का हाट नाम का मार्केट ओपन किया था नित्यानंद प्रभु और हमारा महाजनों ने इस हाट में नाम को लेकर प्रेम को लेकर जगतवासी को वितरण करने के लिए बहुत कष्ट उठाए इतना कष्ट उठाएं इतना कष्ट उठाए हम अनंत काल इनके चरणों में ऋणी हैं काल हम लोग उसकी इनके चरणों में ऋणी हैं कभी कुछ दे नहीं सकेगा फिर कुंजों का बाद हमने चर्चा किया काल कुंजों का बाद मैंने चर्चा किया सानंद सुखदा कुंज वह हमने बताया कैसे गौर गदाधर विग्रोह को भजन कुटीर में रख कर शिला भक्ति में ठाकुर नित्य लीला नित्य लीला में पहुंच जाते थे हर वक़्त गौर गदाधर को रखा और भक्ति ठाकुर नाम करते रहे नाम करते रहे आँखें गौर गौरलीला और कृष्ण लीला प्रकट जब भक्ति विनोद ठाकुर अप्रकट भये तो भजन कुटीर से गौर गदाधर को लाकर नीचे प्रांगण में वह एक मंदिर बनाया गया छोटा सा एक चूड़ा वहाँ गौर गदाधर विग्रोह जरा साल बात है ये शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर का समाधि मंदिर है समाधि मंदिर में गौर गदाधर विग्रोह का स्थापना की भक्तिव ठाकुर का जो मूर्ति है स्थापना किया और पोहपात का एक फिज पोहपात का एक फोटो है बाजू में रखा हुआ है उसमें सालोग्राम आदि गिरिराज आदि विराजमान है शे पूजा हमारा चैतन्यमठ का तरफ से चल रहा है वहाँ श्री भक्ति में ठाकुर जी ने इन नंदीश्वर महादेव को स्थापन की हमारा श्री सच्चिदानंद में ठाकुर ने हमारा नंदीश्वर महादेव जी का स्थापना की उसी जगह नंदिया नंदीश्वर महादेव क्यों ये प्रमाण करने के लिए ये नं, गांव है वहाँ से आगे चल के वहाँ से आगे चलकर धीरे धीरे अगर पहुँचो तो क्या कहे बहुत सारे दर्शन हैं अभी तो बिखर गया इधर उधर थोड़ा आपका एक विग्रह है उसका बारे में हम बाद में बताएंगे क्योंकि सीरियल परिक्रमा तो हो नहीं रहा है क्या करो वहाँ आपका एक महादेव जी है एक महादेव जी है वो हमारा वहाँ विराजमान है पहले ये महादेव जी जो है वाहन पहले ये जो महादेव जी है हंस वाहन जो है ये वाहन जी अपना अलकानंद का पानी में डुबकी लगा के रहते थे आप विश्वास नहीं करोगे आप विश्वास नहीं करोगे पूरा साल साल भर ये हंस जी है हंसु जी महाराज पानी के अंदर में डुबकी लगा के रहते थे आपको विश्वास नहीं होगी मालूम है मैंने मैं साबित मैं जानता हूँ ये हंसु पानी के अंदर में रहते थे पूरा साल इतना सदियों पुराना ये सिस्टम है आप पानी के अंदर में चलते थे इधर उधर इधर उधर पानी का हंस और जब पूजा लेने का समय है शिवरात्रि आदि उस समय में पानी के अंदर से बुध बुध बाबल्स बाबल्स निकालते थे तो भक्तों लोगों को पता चलता था बाबा अभी इधर डूबा हुआ है हैरान की बात है जब पूजा का टाइम आता ना जब पूजा का टाइम आता था वो पानी का अंदर से बाबल्स निकालते बुट 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 तो आदमी लोग समझ जाते थे बाबा इधर है उसको निकाल कर फिर सेवा पूजा करके फिर पानी में छोड़ देते थे पूरा सालवर ऐसा लेकिन बाद में एक मुस्लिम एक मुस्लिम व्यक्ति ये विग्रोह को चुरा के लेके गया था उठा के लेके गया था बाबा ने कुछ नहीं बोला और अंतिम में जाकर इसका खानदान इसका खानदान पूरा खत्म हो गया एक मुस्लिम व्यक्ति ने वो हंसु जी को उठा के लेके गया और लेके गया छुपा दिया और उसका पूरा जो खानदान है पूरा एकदम ख़त्म हो गया बाद में क्या किया वो जल्दी जाकर भक्तों लोगों को बोल दिया मैंने उठा के ला तो बोले हो गया उसका छुट्टी उसका हो गया छुट्टी उसको ठिकाना पे लगा दिया ठाकुर जी शंकर भगवान बाद में भक्तों लोगों ने विचार किया चलो ठीक है और ये हंस जी एक मंदिर में विराजमान हैं छोटे से मंदिर हम जाते रहते हैं कभी कभी ये हंस भवन मंदिर ये एक मुस्लिम इलाका मुकुंदपुर जाने का मुकुंदपुर जाने का रास्ते में पड़ता है जो भी है वहाँ दो चार लीला भी है हम कहेदे एक साथ ये हंसवाहन भवन जी हैं इसका नाम क्यों हंसवाहन भवन पर अरे शिव जी तो ब्रिश भावन है शिवजी तो ब्रिश्वान है शिव जी को कैसे हंसभावन बोला गया महाराज ये तो हैरान की बात है इसका बारे में हम चर्चा करने के द्वे मध्यद्वीप का जो परिक्रमा है परिक्रमा है मध्यद्वीप का परिक्रमा में हमारा हरियार क्षेत्र आता है हरियार क्षेत्र नहीं हृदय हरियार क्षेत्र गोद्रमद्वीप में हरियार क्षेत्र का जस्ट पार ये मध्यद्वीप का अंदर आता है ये मध्यद्वीप में हमारा सप्तर्षि सात ऋषि गौर गुणगान गौर भागवत कथा गौरंग भागवत कथा एकदम कीर्तन कर रहे थे मज़गूल होकर पागल होके इतना प्रेम से डूबे हुए थे और शंकर भगवान को पता चला कि ये सप्तर्षि सप्तर्षि वहाँ गौर भागवत कथा कह रहे हैं तो देरी हो जाएगा देर हो जाएगा शायद इसीलिए ब्रह्मा जी को बोला आपका जो हंस है इसको जल्दी दे दो हमके जल्दी जल्दीबाजी है जाना है तो हंस वाहन इसीलिए हुआ कि अपना क्योंकि वृषो जो है नंदिया जो हो तो धीरे धीरे चलेगा और हंसो चकर छलांग लगा के चल जाएगा अरे देरी है रे जल्दी कर हंस क्या किया ब्रह्मा जी के जो हंस है ये हंस इसको लेके एक कथास्थली जहाँ हमारा सप्तर्षि कथा बच रहे वहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँचने के बाद गौर कथा सुनते सुनते हमारा भोलेनाथ जी गिर पड़ा किसका ऊपर हंस बहन को ऊपर मूर्छित हो पड़े इसी अवस्था में आप देखोगे विग्रोह जो है ना हंसुबहन हंस बहन विग्रोह जो आप देखोगे यही है ये यह हंस बहन विग्रोह जो है आप जाके देखोगे यही है बहुत सुंदर ऐसा करके भान का दर्शन हो गया फिर आगे चलकर मध्यद्वीप में और सारे और सारे सारे दर्शनीय विषय हैं, वहाँ आपका पुष्कर क्षेत्र है पुष्कर पुष्कर क्षेत्र है उस जगह उसका नाम है पुष्कर क्षेत्र है इसी जगह पुष्कर क्षेत्रों में पुष्कर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण था वो पुष्कर क्षेत्रों का बड़ाल प्रेमी था ये पुष्कर क्षेत्रों में जाने के लिए इतनी सी उम्र में जाने का प्रयास प्रचेष्टा में था अचानक पुष्कर क्षेत्रों इनके सपने में आए और बोले बाबा आप क्यों कष्ट उठा रहे हो पुष्कर पुष्कर जाने का क्यों कष्ट उठा रहे हो पुष्कर तो इधर ही है ब्राह्मण पुकुर जो है पुष्कर तो इधर है और पुष्कर ने दर्शन दी ये व्यक्ति उस पुष्कर तथ्यों में नहा लिया नहा के अपना प्राण को शीतल किया वहाँ एक जगह है एक जगह है जिस जगह आप देखोगे उस जगह जो है वो सुंदर जगह है हम तो ये सब बता दिया पंचभक्त बिल बिल्ल पुकुर सारे बता दिया हमने सूर्य सारे ये सब बता दिया गोरा दोहो अभी हंसुभन भी बता दिया और ब्राह्मण पुष्कर इसका नाम है ब्राह्मण पुकुर ऐसा तो नाम है ब्राह्मण पुकुर लेकिन नाम ये है कि ब्राह्मण पुष्कर अर्थात ब्राह्मण के लिए ये पुष्कर तीर्थ ब्राह्मण के लिए ये पुष्कर तीर्थ यहाँ प्रकटित हो गए इसीलिए पुष्कर तथर्थ ये सुंदर पुष्कर तीर्थ हो ये जो हंसोवंश है डेढ़ किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है चलो ठीक है और एक एक जगह है इसका नाम है गोरा दोहो इसका नाम है गोरा दोहो ये गोरा दोहो क्या बात है भले महाराज ये गोरा दोहो ऐसा है एक वृंदावन में वृंदावन में एक शिशु एक बच्चा नटखट एक नटखट लड़का बच्चा इन्होंने क्या किया दुर्वासा मुनि ने सोया हुआ था दुर्वासा मुनि ने सोया हुआ था ये बच्चा ने किया गया उधम मचाया वो जाके क्या किया दुर्वासा मुनि का जो जो बाल है जटा है उसको काट लिया काट के मजाक किया दुर्वासा मुनि तो आंखें खोल के देखा रे ये बच्चा ऐसा कर रहा बदमाश हमारा जटा काट दिया उखाड़ लिया जा तो है जा कुमिर होके रहना कुमिर कोकोडाइल होके रहना जा जा नक्रो कुमिर होके के रहना अब साप साप आ गया उसको तो ये बच्चा रोना धोना शुरू कर दिया जो भी जो जो हुआ सो हुआ हमको क्षमा कर दे हम बच्चा है उल्टा कर दिया आप क्षमा नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे ठीक है चल चल तू तो कुमिर होकर गोरा दहो में रह जा गौरंग महाप्रभु अपना लीला रचाते रचाते अपना सब भक्तों लोगों का साथ इसी जगह पे आएगा और महाप्रभु चरण स्पर्श करेगा तू नक्र शरीर और कुंभेश्वरी छोड़ के ये देव शिशु कब देव शिशु एक देव शिशु है ये ऑर्डिनरी शिशु नहीं है देव शिशु ये देव शिशु का बारे में ये कहावत है शास्त्रों का ये देव शिशु बहुत रोया तो उसके बाद मुनि ने इसको आशीर्वाद के चल ठीक है तू दहो में अपना कुमिर बहन के रह जा वहा गोरंग पो लीला रचक आएगा उस समय चरण का स्पर्श दे देगा तेरा उद्धार हो जाएगा इसका नाम है गोरा दहो गोरा दहो का बाद हरि और खेत्रों का दर्शन हमारा परिक्रमा का स्केड्यूल पहले तो अलग था उधर से घूम के जाओ हम क्या करें हैरान इसका हरियर क्षेत्र जो, जो है ये हरियर क्षेत्र जो है ये हरियर क्षेत्र क्या है ये वाराणसी क्षेत्र है इसका नाम है वाराणसी क्षेत्र सिर्फ इतना ही नहीं ये वाराणसी क्षेत्रों का जितना महिमा है इससे सौ गुना महिमा इधर है ऐसे तो वाराणसी है ये मैंने भी कई बार गया वाराणसी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लेकिन शास्त्रों में हमारा है ये जो वाराणसी है ये गौरधाम का धाम का अंदर ये जो गौरधाम का अंदर विराजमान ये जो धाम का अंदर विराजमान ये जो वाराणसी क्षेत्र इसका कई गुना महिमा ज़्यादा है वहाँ सौ साल रहने से जो या एक रात रहने से इतना पावर है अब वहाँ हर गौरी पति पत्नी हर गौरी तपस्या की तपस्या करने के बाद भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और नारायण आ गया और शिव जी को आलिंगन किया शिव जी को जो आलिंगन किया अचिंत्य भेदावित तत्व का अनुसार जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है साक्षात हरित्य ने समस्त शास्त्री रुक्त था भव्य किंतु पवर्जो वंदे गुरु सी पर ये आलिंगन किया तो एक दूसरे से इतना समा गया कि पहचान नहीं पाया आधा आधा शंकर आधा शंकर का रूप और आधा हरी का रूप इसी हरिहर क्षेत्र माना गया आलिंगन करते ऐसा मजगुल हो गया कि आधा शंकर भगवान का स्वरूप रह गया और आधे नारायण का स्वरूप हो गया विष्णु का तो ये हरिहर क्षेत्र है यहाँ अलकानंद का धारा है इसके अलकानंद का अलकानंद का पार जो है ये मध्य द्वीप है जो भी है यहाँ कोई बंदा यहाँ कोई बंदा अपना यहाँ कोई बंदा अगर अपना शरीर को छोड़े तो इसका कानों में गौ इसका कानों में शंकर भगवान गौर नाम देते हैं यहाँ अगर कोई बंदा शरीर छोड़े ये शंकर भगवान का जुमा है वो आके कानों में गौर नाम देते वाराणसी में कृष्ण नाम देते तो ऐसा है इसके बाद आम घाटा है आगे चलोगे तो आमघाटा है आगे आ जाओगे आम घाटा ऐसा एक जगह है जो चैतन्य भागवत में चैतन्य चौत्य में लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्तों लोगों का साथ वन विहार का चैतन्य महाप्रभु अपना लीला में गोद्रुम ये बात का ध्यान दे गोद्रुम कैसे पर गया गो अद्रुम ध्रुम मतलब वृक्ष आ गो मतलब गोमाता ये गोद्रुम ऐसा क्षेत्र है ये नंदोगा के साथ तुलना की गया किया गया और इसमें गौ बछड़ा का प्राधान्य है और ज़्यादातर रहते थे और ये गोद्रुम नाम पर गया क्योंकि गो ध्रुम ध्रुम मतलब वृक्षो संस्कृत वर्ड गो अद्रुम इसलिए गोद्रुम गोद्रुम धाम को आगे चलते हुए हम पहुँचेंगे कहाँ पहले महाराज हम पहुंचेंगे आम घाटा ये क्या नाम पर गया कैसे नाम पर गया आम घाटा पहले आम घाटा ऐसे नाम पर गया कि गौरंग महाप्रभु अपना बन बिहार का चक्कर में गौरंग महाप्रभु अपना बन बिहार का चक्कर में यहाँ पहुँच गए यहाँ जाके देखे कितना सुंदर आम की पेड़ है सब ताज़ा ताज़ा इतना सुंदर है न इतना सुंदर आम है आम की पेड़ है महाप्रभु जी ने क्या की वहाँ वहाँ एक गुठली को जमीन में लगा दिया और देखते देखते वो आम हो आम के पेड़ हो गया एक आम का जो गुठली है इसको जमीन में गाड़ दिया देखते देखते विद इन सेकेंड वो हो गया बड़ा एक पेड़ बन गया आम का उसमें हजारों हजारों ए, ए, ए पक्का हुआ आम लटक लटक रहा है ऊपर लटक रहा है तो महाप्रभु बोले ए ऊपर से आम को पाड़ो पाड़ो अब भक्तों लोग पारना शुरू कर दिया एक एक भक्तों को एक एक आम दिया इतना बड़ा बड़ा ये मैंगो इतना बड़ा बड़ा हाथ में दिया वो खाते एक काम खाया तो पेट भर गया एक काम खाया तो पेट भर गया महाप्रभु जी ने लिखा हुआ है महाप्रभु जी ने ये आम घाटा आम में ए, महाप्रभु जी ने ये आम घाटा में कई बार आम का उत्सव किया आमरोत्सव महाप्रभु जी ने कई बार ये आम घाटा में आम का कई बार महाप्रभु जी ने ये आम घाटा में आम का उत्सव किया आम का भंडारा महामहोत्सव आम का कर दिया प्रभु के लिए सब कुछ संभव है उसके बाद सुबर्णि बिहार के बारे में कल हम थोड़ा बताया था जे, ये सत्य युग का एक राजा सुवर्णसेन राजा यहाँ रहा करते थे ये बड़ा प्रेमी थे सत्य युग में और नारद मुनि का साथ नारद नारद मुनि का नारद मुनि का पास ये गौरंग आविर्भाव का बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और व्याकुल हो गया कि ऐसा गौर गौरंग स्वरूप प्रकटित होगा जो जगत में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ पहले नारद जी का आदेश लेकर गौर नाम जपते जपते ये जगह सिद्धि प्राप्त हुए और भगवान ने दर्शन दी आशीर्वाद की चलो प्रभु हमको कृपा करो हम कैसे क्या करें बोला तो ठीक है तुम एक तुम अभी सुवर्ण राजा हो बाद में ये शरीर छोड़ के जब मैं कलिकाल में अवतीर्ण हो जाएंगे नवदिप में तुम भी हिस्सा लोगे इलेरा पे कोई बात नहीं है ये बुद्धिमान तो खान इसका नाम है बुद्धिमान तो खान बुद्धिमान तो खान ने बड़ा ये राजा है ये भी राजा है इन्होंने माँ प्रभु का शादी का माँ प्रभु का शादी का जितना सारे खर्चा है इन्होंने उठाया था सारे खर्चा इसका नाम है इसका और सुवर्णसेन राजा का सुवर्णसेन राजा का जो जो राजप्रसाद का जो टूटा हुआ पार्ट जो है जमीन के अंदर से आज भी निकाला वो उधर रखा हुआ है आपका दर्शन के लिए यहाँ दर्शन करके सुबर्ण सुवर्ण सेन सुबर्ण सुवर्ण सेन राजा को दंडवत करके प्रणाम करके आगे चलेंगे आगे चलेंगे हम वहाँ दंडवत करके कहाँ जाएंगे भले निसिंग बोली जाएंगे निशिंग देवपल्ली इसका बारे में काल चर्चा किया ये निशिंग देव को देव पोली नाम पड़ गया शतयुग में हिरण्य को नाश करके अलकानंदा में अपना हाथ को धोया है उसका विश्राम किया एस वही जगह है ये कोई बनाया नहीं ये वही जगह है और उसी जगह निशिंग का मंदिर बन गया निसिंगदेव का मूर्ति जो है जमीन का नीचे से निकाला था प्रल्ला महाजी को बड़ा कृपा किया और ये जमीन का अंदर में जो निशिंग और मूर्ति प्रकट भय और सेवा पूजा का प्रतिष्ठा हुआ बहुत दिन और हमारा गौरंग महापौर का पार्षद निशिंगानंद बमोचरी वो गुफा में भजन करते थे इन्होंने पूजा करते थे पहले ये सब व्यवस्था हुआ महापभू जी ने ये सब व्यवस्था की ऐ हमारा भगवान ने ऐसा व्यवस्था की या हमारा परिक्रमा का निशिंगपल्ली में ब्रह्मा का टीले हैं ब्रह्मा का वरुण का इंद्र का सब टीले निर्माण हैं वहाँ बैठ के वो लोग अभी भी तपस्या करते हैं भजन करते हैं अब ये जो दर्शन हो गया ये दर्शन का बाद आपको आगे चलना पड़ेगा अगर मंदिर में वापसी बाप अगर मंदिर में वापसी आ जाओगे तो फिर उल्टा उधर से जाना पड़ेगा ऐसा नियम है निशिंगबली दर्शन करके गौरांग सेतु है आपको मालूम नहीं है निशिंगबली दर्शन कर सीधा उस तरफ जाना है जहाँ गंगा है और ऐसा ही परिक्रमा का सिस्टम है चलो ठीक है और परिक्रमा करते करते कहाँ जाओगे बोले महाराज गौरांग सेतु पहुंच जाएंगे गौरंग सदी का नीचे थोड़ा आगे एक जगह है जिस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र सामंत तो पंचक कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र जगह है कुरुक्षेत्र और पंचबेणी दोनों नाम है पंचवेनी इसलिए है ये पांच नदी यहाँ इकट्ठा हो गंगा जमुना सरस्वती कावेरी हैं ये यह यहाँ मंदाकिनी सब लिखा हुआ है पांच उस जगह का महिमा उस जगह का उस जग ज़, उस जगह का अपार महिमा उस जगह का अपार महिमा देवता लोगों को जानकारी में आया उसी जगह का अपार महिमा कुरुक्षेत्र का देवता लोगों को जानकारी में आया वो लोग क्या किया इकट्ठा एक, एक हो के तो उसी जगह जाके कीर्तन शुरू किया बड़ा जोर से हरिनाम संकीर्तन शुरू किया बड़ा जोर से इसलिए उसका नाम पर गया उच्च हट्टो नाम पर गया ये ये ऐसा है कि ये ऐसा है कि रेलवे गेट नवद्वीप गए होंगे आप नवद्वीप का रेलवे गेट से किशनगर का रास्ते में आई बात समझ में नवद्वीप रेलवे गेट है यहां से किशनगर का रास्ते में आगे जाओ तो यहाँ नीचे में सब पंचबेनी है फिर कुरुक्षेत्र है एक किलोमीटर आगे कुरुक्षेत्र है और इसका नाम आपका उच्च हट्टो पड़ गया क्योंकि वो जो है हट्टो पर गया उसका नाम कि वहाँ देवता लोगों ने बड़ा संकीर्तन की अब अगर वापस वापस आ जाओगे उल्टा हो जाएगा आप आगे चलते रहोगे नवदीप रेलवे गेट को पार करके फिर आगे चलते रहोगे वहाँ आएगा दीजो बनी दीजो बानीनाथ का पूजित विग्रह गौर गदाधर चापाहाटी ये चापाहाटी नाम पर गया किस लिए भले जयदेव गोस्वामी जी यहाँ से काल बताया था यहाँ से जयदेव गोस्वामी वहाँ चले गए ये राधा कुंड का राधा कुंड का आजू बाजू होता है आई बात समझ में ये जो है राधा कुंड का आजू बाजू ये जो है राधा कुंड का आजू बाजू ये जो हमने बताया अंतरदीप आत्मनिवेदन क्षेत्रों गोदम कीर्तनात्ता क्षेत्रों फिर आप पहले हमने बताया श्रोवणाख्या भक्त सीमंत द्वीप गौदम द्वीप जो है ये कीर्तनाख्या मध्यद्वीप जो है स्मरणाख भक्ति है और कोलोदी पाद पाद सेवन ये सब बाद में आ, आएंगे और ऋतुद्दीप ऋतुद्वीप अर्चन आख्या भक्ति का जाजन क्षेत्र है तो उधर आगे चलते हुए दीजोबनी नाथ का आलय है गौर गदादर विग्रोह है वहाँ गौर का दर्शन होता है वहाँ जयदेव गुस्से में रहते थे वहाँ का गरीब लोग क्या करते थे माली वहाँ का गरीब लोग माली लोग क्या करते थे ये लोग एक एक पेड़ में बहुत चांपा फूल बहुत सारे चांपा फूल बहुत सारे चांपा फूल और ये चांपा फूल को उतार के ये लोग मार्केट में बिक्री करते थे इसीलिए इसका नाम पर गया चांपा हाटी दीजो बन दीजो बनीनाथ कौन है दीजो बनीनाथ कौन है दीजो बनीनाथ गोदाधर पंडित का छोटा भाई है ये दीजो मणिनाथ महाप्रभु का पार्षद है वहाँ दीजो मणिनाथ का सारे दर्शन करते हुए आगे चलो सुमुद्रगढ़ चले जाओ या तो सुमुद्रगढ़ आगे चले जाओ सुमुद्रगढ़ आगे चले जाओ सुमुद्रगढ़ को बोला गया दारिका धाम है गंगा सागर दो तीर्थों सुमुद्रगढ़ सुमुद्रगढ़ जो है इसको दारिका धाम बताया गया और एट द सेम टाइम ये जो है ये गंगा सागर जब हमारा जुदिशिर महाराज जी ने एक बार राष्ट्रीय जगों का आयोजन किया अश्वे योगों का आयोजन किया ये अश्व घोड़े को ये जो जगों का घोड़ा है इसको जो पकड़ेगा उसको हिम्मत चाहिए नहीं तो मुश्किल तो भीमसेन 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 ये जोगो घोड़ा को रखवाली करके लिए पीछे दौड़ रहे हैं अब बाद में देखा गया सुमुद्र सेन राजा सुमुद्र सेन राजा इसको पकड़ लिया किसका हिम्मत है कि छुड़ा के ले जाओ तो भीमसेन ने इसका साथ बड़ा लड़ाई की सुमुद्र सेन राजा बड़ा भक्त थे बड़ा ऊंचा किस्म का भक्त है भगवान अपना भक्तों का महिमा प्रकाश करने के लिए इच्छा करके समुद्र सेन समुद्र सेन राजा के द्वारा भीमसेन का पराजय करवाया इच्छा करके इच्छा करके भीमसेन का साथ लड़ाई हो रहा है और भीमसेन देखा इतना पावर है समुद्र सेन राजा का इसमें ठहरना मुश्किल है इतना पावर है बाद में भगवान का शरण लिया ठाकुर जी ये जो लड़ाई चल रहा है इसका अंत कहाँ है ठाकुर जी ये तो बड़ा मुश्किल के लड़ाई चल रहा है ये तो इतना पावर है ये ये जो इतना पावर है समुद्र सेन राजा का मैं क्या करे इसके बाद भगवान ने प्रकट हो गया इच्छा करके समुद्र सेन राजा का राजा के ऊपर कृपा की भीमसेन भीमसेन के ऊपर कृपा की ये जगह का नाम है समुद्र गौर वहाँ के वहाँ से वापस आने के टाइम पे अगर आप जाओगे चापाहटी ये भी हो सकता है हम लोग ऐसा करते हैं वहाँ दर्शन करके फिर लौट के वापसी समय चापाहटी दर्शन किए दीजो बानी का उसका बगल से रास्ता निकालता है एक बगल से रास्ता निकालता है वहाँ से बगल से एक रास्ता निकालता है और ये चापहाटी चापहाटी का बाद ये जो शुमुदगर कोई कोई जाता है शुमु पहले फिर चापहाटी और उसके बाद आ, बीच में से एक रास्ता गया ऐसा ऐसा करके मैंने कई बार गया वहाँ राधा कुंड रातुपुर रातुपुर बोल के एक जगह है ये राधा कुंड कुंड है रातुपुर मा, रातुपुर महाप्रभु जी अपना भक्तोंगण को लेकर यहाँ बड़ा संकीर्तन रास की नित्य की महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ विभोर होके मूर्छित हो पड़े वहाँ राधा कुंड कुंड का दर्शन करके आगे चलते हुए अब आगे चलो जाके आगे चल के विद्या बा, बाच विद्या वाचस्पति ये विद्या वाचस्पति कौन है ये सार्वभम भट्टाचार्यों का भाई है सार्वभम भट्टाचार का भाई है वाचस्पति ये दोनों ही दिग्गज पंडित हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जो पहले विद्यानगर में रहा करते थे बाद में उड़ीसा का राजा उसको उड़ीसा का राजा इसको प्रार्थना करके लेके गया उड़ीसा का राजा बोले महाराज आप इधर आ जाओ पूरी में आपको रहन सहन का व्यवस्था कर देंगे इसका बाद जो पूरी चले गए हैं राजा का राजपंडित है वहाँ और बेतन मिलता था स्टाइपन मिलता था राजा देते थे इसलिए चले गए और विद्या वाचस्पति यह रहते थे और विद्या वाचस्पति का वंदना आता है हमारा सनातन गोसाई जी ने किताब लिखने के ने कित किताब लिख लिखने के समय में वाचस्पति का वंदना किया विद्या वाचस्पति का वंदे गुरुर्मे विद्या वाचस्पति लिखा हुआ है तो इसके द्वारा साबित होता है कि विद्या वाचस्पति इन्होंने सनातन रूप इसको सिखाया ये तो नित्य लीला है ये तो एक नाटक है और क्या महाप्रभु जी ने भी गया हमने भूल गया ये जो मायापुर धाम का वर्णना करने करते समय एक जगह है वो जगह गंगानगर ये मैं भूल गया क्योंकि जल्दीबाजी में है पीछे चले जाए थोड़ा ये गंगानगर जो है ये कैसे नाम पर गया एक तो है गंगानगर में गंगादास पंडित का टोल है विद्यालय है जहाँ गौरंग मो बचपन में पढ़ाई करते थे दूसरा एक महिमा है क्षमा करे मैं पीछे चला गया ये जो गंगानगर है भगीरथ भगीरथ महाराज ये गंगा देवी को तपस्या करके ले आने के लिए फासला की और गंगा देवी यहाँ तक आगे उल्टा चला गया उल्टा चला गया इस तरफ नवद्वीप का तरफ भगर तुम्हें बोले मैया तुम इधर क्यों आ रही हो बोले माँ बेटा हम अभी जा नहीं सकता क्यों बोले इधर ये धाम है नवद्वीप धाम तो क्या हुआ पहले तो क्या हुआ नहीं ये गौरंग मापो का आविर्भाव तिथि आने वाला है मैं एक डेढ़ महीने इधर रह जाऊँ इसका तुम्हारा साथ चलूँ इसका पहले नहीं इसीलिए गंगा मोर के उधर आ गया मोर के उधर आ गया और नवद्वीप धाम को स्पर्श करके आगे बढ़ने लगे आगे बढ़ने लगी गंगा जी तो ये जो है ये गंगानगर है एक तो है भगीरथ भगीरथ जी महाराज का प्रार्थना से गंगा देवी यहाँ तक पहुँची और भगीरथ महाराज प्रार्थना की मां आपने अगर हमारा कृपा नहीं करोगी तो हमारा वंश जो है शगर वंश उद्धार नहीं होगी बोले हाँ बेटा जाएंगे थोड़ा रुक जाओ थोड़ा इधर महाप्रभु का आविर्भाव तिथि आ रही है इसको मना के हम जाएंगे बोले ठीक है बेटा चलो इसका नाम है गंगानगर हमने भूल गया अच्छा चलो ठीक है ये जो विद्या ये जो विद्यानगर है यह सर्वम अट्ठाचार्य जो बड़ा पंडित है बृहस्पति का अवतार हजारों 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 शिष्यों को सिखाता था पढ़ाई कराता था बाद में क्या करें राजा ने बुलाया तो इन्होंने चला गया पुरुषोत्तम नाम नीलाचल को आश्रय की और विद्यावाचस्पति यहाँ रह गए विद्यावाचस्पति का वो जो विद्यालय है मैंने कई बार गया विद्यालय में बहुत सारे हजारों हजार शिष्यों वहाँ बैठ के विद्या वाचस्पति पढ़ाते थे ये विद्यावाचस्पति सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य का आविर्भाव स्थल है ऐसा करके आगे चले विद्यावाचस्पति का दर्शन करते हुए आगे चलो आगे चलते हुए कहाँ जाओगे जन्नुद्दीप पहुँचोगे जहाँ जन्नु मुनि का ये जो ऋतुद्दीप हो गया और जन्नुद्वीप जो है जन्नु मुनि का आश्रम है मुनि ये बड़ा तपस्वी साधु है यार भगीरथ गंगा जी को लाने के समय गंगा का पानी से इसका पूजा का सामान बह गया था ऋषि पूजा कर रहा था ध्यान जमाया था अरे अपना सारे सामान चला गया पानी में अरे कौन ऐसा हरकतें कर रहे देखा गंगा जी चलो गुस्से में आकर क्या किया तमाम गंगा को ऐसा करके पान कर लिया गंगा को जो पान कर लिया भगीरथ तो रोना शुरू कर दिए मुनि जी आपने जो गंगा को पान कर लिए मेरा लिए तो खतरा मैं क्या करूं कीपा करके हमारा व्यवस्था करो तो जो मुनि ने क्या किया अपना जांग जो है अपना जो जांग है थाई इस जांग को फाड़ के गंगा को निकल दी गंगा गई तब से गंगा जी का दूसरा नाम पर गई क्या जाह्नवी माता और जन्नुमुनि का आश्रम इसका बाद वहाँ का बहुत सारे लंबा रास्ता है मैंने कई बार गया जिंदगी में वहाँ पार करके आपको आना पड़ेगा कहाँ आना पड़ेगा भले मामगाछी आना पड़ेगा इसका नाम है मधुद्न द्वीप इसका नाम है दीप द्वीप बड़ा सुंदर जगह है मधुद्द्यून द्वीप ये मधुद्द्यून द्वीप में क्या है मधुद्दीन मामगा यहाँ जो है यह सारंग मुरारी का सिपाठ है सारंग मुरारी का पाठ है और कई सारे यहाँ मंदिर आदि है और दास ठाकुर महाशय का सिपाठ भी है मामगाछी में दास ठाकुर महाशय का सिपाठ भी है बृंदावनदास मानगाछी में और इसका इसको माना गया जे रामचंद्रो राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सारे वन पर्यटन वन का पर्यटन करते करते वन को वन का पर्यटन करते करते अब आ गया इधर वो जो आपका अरण्य ये जो अरण्य नहीं कारण दंडकारण्य कारण से रामचंद्र जी घूमते घूमते यहाँ आ गया महिमा पता है और सीता जी को बताई जी को बताए मेरा और एक अवतार होने वाला है मेरा और एक अवतार होने वाला है काली काल में ये गौरंग स्वरूप तो ये चैतन्य लीला का बैसदेव जी चैतन्य लीला का बैसदेव है ये दास ठाकुर महाशय ये दास ठाकुर महाशय का ये लीलास्थली है गौर नित्यानंद का विग्रोह है इधर वृंदावन दस्तकुनी इधर रहा रह करते थे नारायणी का पुत्र है जो भी है इसके बाद इसके बाद आएगा और कोठीला वृंदावन का जो सूर्य कुंड है वृंदावन का जो सूर्य कुंड है इसी का नाम पर गया और कोठीला इसका बाद ये जो पंच पांडव ने जंगल परिभ्रमण करते करते ये मामगाछी आदि सारी जगह पहुंचा ये जो हमारा पंच पांडव जी जो है पंच पांडव आपका दर आपका भ्रमण करते करते पांच पांडवों ने पांच पांडवों ने यहाँ पहुंचा इसका नाम है महतपुर पांच पांडवों ने यहाँ पहुंचा और कोलिकाल में भगवान का आविर्भाव होना है ऐसा पता चल गया सारे ऐसा पता चल गया और जब पता चल गया तो इसका महिमा गुणगन की हनुमान जी महाराज इसका नाम है है ना नलोद्दीप तो है पाद, इसका बाद हम जाएंगे ऋतुद्वीप अर्चन बंदोनाथ को जनु जन्नुद्दीप बंदोनाथ को और आपका मधुद्दन जो है हनुमान जी महाराज आचार्य जो है या हनुमान जी महाराज आचार्य जो है हनुमान जी महाराज भक्ति, का भक्ति का, शवनम, भक्ति का भक्ति का लीला दिखाया शवनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदन सक्षम दासवात्मनिवेदनमति पुंसापिता नवलक्षणा नवलक्षण क्रिएतः भगवती तन्मन्ने अधितो अदीतमुत्तम ये नौ किस्म का भक्ति का बारे में नौ नौ दीप अभी हम लोगों का परिक्रमा का ये विधान है क्या करूं विद्यानगर मामगाची सब ये सब दर्शन करते हुए आगे चलते चलते क्या कहाँ पहुँचे पहले महाराज और पहुँचते पहुँचते हम पहुँच जाएंगे हमारा वर्तमान परिक्रमा का नियम है एक एक दिन एक एक तो मैंने मैंने अगर मामगाची से उल्टा आया ये तो आप बोलोगे उल्टा लेकिन पहले ज़माने में ऐसा परिक्रमा कर घुसने का गया, ऐसा अभी तो परिक्रमा वापस जाते हैं तो एक एक दिन जैसे पहला दिन अंतोद्वीप किया दूसरा दिन दूसरा दिन श्रीमंतोद्वीप किया जगन्नाथ दर्शन में आ गया फिर दूसरा दिन चला गया ये आपका गोद्वीप चारे परिक्रमा कर लिया उसके बाद वापस आया फिर उसके बाद कोलोद्वीप गया कोलोद्वीप का अंदर में कोल मतलब बराहदेव कोलोदीप में एक ब्राह्मण रहते थे ये बड़ा प्रेमी थे बड़ा महाराज का अर्चन करते करते इसको बड़ा सेवा की सेवन की और बराह जी ने इनके सामने अपना दर्शन दे दी कृपा कर दी इसका नाम है कोलोदीप कोल मतलब बराह जी इसका नाम है सेवन क्षेत्र कोलोदीप है कोलोदीप जो है पादोसेवन खेत्रो ऋतुदीप अर्चन क्षेत्र सब हम बता दिया इसके बाद इसके बाद जो है सारे वहाँ बहुत सारे हैं कोलोदी में आओ कोलोदी में आओ तो देखोगे वहाँ पौड़ा माँ पोड़ा माँ मिलेगा मिलेगी माँ पोड़ा, मा, पोड़ा मा तोला वहाँ मिलेगा विदोशिब मिलेगा देवानंद गोरी मठ जो है ये आपका एक पार्ट भी है देवानंद गोरी मठ देवानंद पंडित देवानंद पंडित का पाठ है क्या ये जिंदगी भर के लिए मालूम होनी चाहिए कैसे शास्त्री है ना ये जो अपराध किया ये अपराध को याद में रखने के लिए ये अपराध को ये अपराध को याद में रखने के लिए इच्छा करके हमारा गुरुपाद पद्म परम महाराज इनके नाम दे दिया देवानंद गौरियामठ इच्छा करके ताकि अपराध ख्याल रहे जो भी ये सब दर्शनीय स्थान है पोरामला है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर है गंगा का किनारे और बंशीदास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर है ये सब तमाम चीज़ है सुनर गौरंग है इधर फिर आपका धामेश्वर गौरंग है ये तमाम दर्शन कितना दर्शन कह नहीं सके इतना दर्शन सर और इसी जगह पे एक घटना हुई क्या जिसका बारे में हमने बताया था क्या बतना बोले यहाँ जब परिक्रमा पार्टी आए हुए थे तो इसी जगह जितना सारी ईर्षा ईर्षानितो तो ये ब्राह्मण वैष्णव सहजिया है बाबा जी इन्होंने आक्रमण किया बड़ा बड़ा ईटा का टुकड़ा लेकर पापा जी का प्रचार पार्टी के ऊपर फेंका और किसी का माथा फेड़ फट गया किसी का क्या बहुत चोट लगा और पोपा जी को मारने के लिए व्यवस्था कर दिया पोपा जी को बचाने के लिए पोपा जी भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड है लेकिन ये भी लीला है जैसे रामानुजीचार्य के बचाने के लिए कुरेश ने गया ऐसा ही है हमारा और बुज विनोद विनोद बिहारी केशव कशी महात जमाने में पौपात को बचाने के लिए पोपात का डंडो कम सब ले लिया कपड़ा पोपात का सन्यास कपड़ा पहन ली और उसका बाद आगे बढ़े लोगों ने सोचा कि ये सन्यासी है यही पोपात है और पोपात को पार कर दिया मायापुर में तो हैरान की बात है आज कोई जान देने के लिए कोई तैयार नहीं है जान तो दूर की बात है मिनिमम टाइम भी देने के लिए तैयार नहीं है मिनिमम समय देगा नहीं हंसी हाँ लगता है हमको क्या करे फिर ये सब जो दर्शन हो गया ये सब जो कोलोदीप दर्शन हुआ कोलोदीप दर्शन करने के बाद आप फिर टोटल दर्शन के बाद मायापुर वापस आ जाओ मायापुर ये मायापुर दर्शन होने के बाद फिर एक दिन रुद्रोद्वीप के लिए रखा गया ये रुद्रोद्वीप में नील लोहित ग्यारह रुद्र एकादश रुद्र एकदम कीर्तन करते थे अब विष्णु स्वामी भी आए थे जो भी हैं ये रुद्रद्वीप यहाँ शंकर शंकराचार्य जी भी आए थे और हमारा गौरंग महाप्रभु ये शंकर भगवान शंकर जी को बताए शंकराचार्य को आप इधर से चले जाओ ये मायावाद प्रचार का स्थान नहीं है यहाँ मायावाद नहीं चलेगी इसलिए इसको भगा दिया दूसरा जगह चलो दूसरा जगह भगा दिया ऐसा करके रुद्रद्वीप का परिक्रमा हो गया रुद्रद्वीप का परिक्रमा होने का बाद गौर आविर्भाव तिथि आ जाए कोई कोई व्यक्ति गौरंग महापू का आविर्भाव तिथि में गौरंग महापू का दर्शन करने के लिए ऐसा व्यवस्था करते हैं का परिक्रमा दर्शन टाइम दर्शन दसंट भी हो जाए तमाम दर्शन हो जाए ऐसा व्यवस्था की है ये तो मोटा मोटी हमने बताया कैसे शोवन कित्वन विष्णु स्वरण हैं पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दस्यम सक्षम आत्मनिवेदनम नौ किस्म का भक्ति के बारे में ये जो एक एक करके दीप है ये सब दीप का वर्णन हमने किए हैं और परिक्रमा पाठी को विशुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्व में भरपूर विश्वास के साथ भरपूर विश्वास के साथ करना चाहिए और भरपूर विश्वास के साथ अगर करे धामेर धाम का महिमा हृदय में प्रकट हो जाए विशुद्ध गुरु वैष्णव का साथ धाम का महिमा प्रकटित हो जाएगा आप प्रकटित होकर कृपा करेगा जिन्होंने धाम परिक्रमा किया वास्तव रूप से एक परिक्रमा का साथ साथ उसका जीवन का बंधन तो दूर की बात है बंधन तो चले जाएगा ये तो छोटा मोटा बात है जिन्होंने वास्तव परिक्रमा किया गुरु वैष्णव का अनुगत में वास्तव ये तो संसार बंधन तो दूर की बात है छोटे मोटे बात ये धाम परिक्रमा का साथ साथ ये प्रेम भी मिल सकता है और हमारा तमाम जो इंद्रिया है ये हम भगवान का सेवा में लगाना चाहता है जैसे अम्बरीश महाराज जी ने लगाया जब तक हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकता जब तक हमारा जितना इंद्रियोग्राम है ऑर्गन, हमारा तमाम इंद्रियोंग्राम को जब तक भगवान का सेवा में ना लगाए तब तक भक्ति होने का कोई चांस नहीं सबई मनो कृष्ण पदार विंद योर वाचन शिव कुंठ गुणान वर्ण हैं ये जो बताया था कौन किसने बताया ये हमारा जो राजा है क्या नाम है वो हमारा अम्बरीश महाराज सबई मन कृष्ण पदार विंद योर वाचाशी वैकुंठ गुणानु वर्णने श्रुति है वैकुंठ गुणानु वर्णने आर सुतिन चकार चुत सत्कथोदये मुकुंद लुंगालय लये दर्शन दिशो ये मुकुंद का ये जो मूर्ति है दर्शन करने के लिए बताए ये जो है ऐसा सारे बताए वही मन कृष्ण पदार विंद योर वाचा वैकुंठ गुणानु वर्णने हैं करो करो तर करो हरेर मंदिर मर्जुना दिशु करो हरेर मंदिर मंदिर मर्जुना दिशु शुतिन चकार चित सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो मुकुंद लिंगालय दर्शन मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो तद्भित्व गात संगमे हैं तद्भित्व गात स्पर्श अंग संगमम ऐसा करके और इसका बाद लिखा हुआ है पदानु सर्पणे ये पैर ये जो पैर है किस लिए है क्या काम का ये जो पैर है किस काम का है बल्ले महाराज परिक्रमा लगाने के लिए ये जो पैर है इसकी किस काम का है ये परिक्रमा लगाने के लिए ये जो हाथ है किस लिए भगवान का मार्जन करो पूजा करो सपने ये जो आंखें हैं आंखें का क्या अक्षतम फलम इदम न परो विदामम ये जो बेनुगता में आता है अक्षन्नतम फलम इदम न पर विदाम आंखों का फल है आंखों का क्या फल है आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है भगवान का चरण का दर्शन करना वैष्णवों का दर्शन करना वैष्णव का स्पर्श यही तो आंखों का फल है ऐसे घ्रान्च तत्पाद सरो सौरभे जो घ्राण है ऐसा करके सिम तुलसी सिमत तुलसी रस, रसनम तदर्पित ऐसा करके बताए सारे तो पादो तत्पदानुसर्पणे परिक्रमा करने के लिए तमाम ये जो पैर है इसको लगाओ ऐसा करते करके माथा को भगवान का चरण में ढोंक लगाने के दंडवत करने के लिए लगाओ तमाम इंद्रियों ग्राम को भगवान का सेवा में लगा दो तो फल मिलेगी अतः नामादि अतः कृष्ण नामादि नौभवित राज्यों में इंद्रिय अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राज्य ग्राज्यम सेवन मुखे ही युवाएं स्वयम वफूर्ति अध तमाम भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट तमाम हृदय में उद्भाषित हो जाए तमाम इंद्रियों एक एक इंद्रियों आँखों के द्वारा दर्शन करो कानी के द्वारा भगवान का कथा सुमन करो नासा के द्वारा भगवान के चरण में तुलसी चंदन का घृण लो हाथ के द्वारा मंजन करो पूजा करो सेवा करो पैर के द्वारा परिक्रमा करो क्यों करते रहो यही तो सार्थक है ना और एक विशेष बात कहने का बात मैं ये परिक्रमा अर्थात नवदी भाव तरंगों का जो विषय लेके चर्चा की इसका विश्राम देना चाहूँ एक विशेष बात है वो क्या है वो क्या है वो है भगवान का बानी स्वरूप भगवान का बोपू स्वरूप को प्रकाशित करता है ध्यान दे इस सिद्धांत को ध्यान दे भगवान का जो बानी स्वरूप है ये भगवान का बोपू स्वरूप को प्रकाशित करते हैं इसीलिए बानु स्वरूप का सहारा लेते हुए साधुसंगों परिक्रमा बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बानी स्वरूप का सहारा ना ले हुईज गौरंग गौरंग कौन है गौरंग कौन है कैसे पता चलेगा कौन है गौरंग बानी स्वरूप हमको हमारा सहारा है ये बानी स्वरूप हमारा सहारा है हमको जानकारी दे दे गुरु वैष्णव कौन है गुरु वैष्णव का मोहाना महिमा क्या है नित्यानंद गौरंग कौन है ये सब कौन बताएगा ये बानी बताएगा बानी का महिमा से बपू का महिमा पता चलता है इसलिए संकीर्तन सर्वोपरी सबका ऊपर है इसका ऊपर कुछ नहीं है संकीर्तन सबसे ऊपर है इसका ऊपर और कुछ नहीं है सारे यद्यपि अगर कोई दूसरा भक्ति अंगों का जाजन करे यद्यपि कोई अगर दूसरा भक्ति का जाजन करे फिर भी संकीर्तने नहीं वह क्रिए तो के संदर्भ में लिखा है जिबो के संदर्भ में लिखा है अगर कोई अगर कोई दूसरा अंग संकीर्तन छोड़ के है करे तो बेकार है जीवक संवाद संदर्भ में लिखा है अगर कोई दूसरा भक्ति अंग जैसे अर्चन करे जैसे अर्चन करे कुछ भी करे कुछ भी करे वो जो भी करे भक्ति अंगों जो है शोभनम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन आदि कुछ भी करे चौसठी भंग भक्ति नौविदा भक्ति तो ठीक है अगर चौसठ भक, भक्ति अंग का जाजन करना शुरू करे अगर संकीर्तन का सहारा ना ले तो बेकार हो जाएगा संकीर्तन का सहारा अगर ना ले तो बेकार हो जाएगा काली में कुछ नहीं है योग्य करोगे भंडारा करोगे कुछ भी करोगे फायदा कुछ नहीं है फायदा कुछ नहीं है जिबो गोसाईबाद जी ने लिखा है यद्यपि दूसरा भंग जद्यपि जिबो गोसाईबाद ने लिखा है यद्यपि दूसरा भक्ति अंगों का जाजन करने के लिए लिखा गया फिर भी ये संकीर्तन नईव क्रिय तो ये संकीर्तन के द्वारा करना चाहिए चाहे अर्चन करो रोसई करो कुछ भी करो परिक्रमा करो संकीर्तन इज द वाइटल संकीर्तन सुन कुछ होता ही नहीं और भगवान का जो पार्षद लोग हैं कितना महिमा है लोगों का ये भगवान का पार्षद लोग हैं ये पार्षद लोग अगर नहीं होता तो क्या भगवान अपना कथा बोलने के लिए आता भगवान का भक्त जो है ये हरि कथा सुनाते हैं कीर्तन सुनाते हैं ये तो भक्तों लोगों का महिमा है जो नाम भजन का आचार्य जो है भगवान का महिमा बताते रहते हैं ऐसा महान वैष्णव का अगर अपमान करे तो उसका लिए क्या हो सकता उसका लिए क्या हो सकता भगवान कभी क्षमा नहीं करे इतना गुस्सा हो जाता जिन्होंने हरि कथा बोलता है जिन्होंने नाम कीर्तन करता है भगवान का है ना आदेश से इसका चरण में कोई अपराध करे इसका क्षमा नहीं मिलेगी क्षमा नहीं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी तो भ्राजिता सद्भक्ता बलिहंस चक्र मधुबो सैनी विहारास्पद कर्णानंदी कलधनी मे ज्योहा मरुप्रांगणे श्रीचैतन दया निधे तब स लीलासुधा सर्धुनी वांच कल्पुरुष के बासी पति नानक पावन वैष्णवभ्यो नमः जय नबद्दी भाप तरंगों की और एक बात भक्ति ठाकुर जी ने नवद्दी भाप नबद्दी भाप तरंगों करते करते बाद में बताया जे मेरा स्वरूप है ये इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे समय नहीं अपने स्वरूप को दर्शन की जे कमल मंजरी है बड़ा सुंदर इसका बारे में हम हाँ, कभी समय मिले तो चर्चा करें अभी क्षमा मांगते हुए आज का एक छोटा सा कथा का विश्राम यहीं दे जय गौरंग महाप्रभु की जय हो क्षपार्षद गौरंग महाप्रभु की जय हो अनंत गढ़ी वैष्णव बिंदु की जय हो गौरी मठ की जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल